गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था के शेल्टर होम पर कब्जा करने की नियत से रात में दबंगों ने आग लगा दी। आग लगने से शेल्टर पूरी तरह खत्म हो गया। बच्चों की किताब कॉपियां साइकिलें व्हीलचेयर बच्चों की कुर्सियां मेज तथा खाना लाने वाले कंटेनर स्वाहा हो गए। घटना की सूचना रात को ही पुलिस को दे दी गई, मगर पुलिस ने खाना पूर्ति कर कार्य की इतिश्री कर ली। नाम राकेश सिंह है। राकेश जी, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ आग वाग लग गई है, क्या है मामला? मैम, ये नेवी फाउंडेशन का एक सेंटर है जिसमें ये लगभग 230 बच्चे करीब यहाँ पे बच्चे आते हैं डेली बेसिस पर उनकी पढ़ाई होती है। और ये सेंटर मॉर्निंग से 5:30 बजे से स्टार्ट रहता है, लेकिन आज यहाँ पे रात में करीब 1 बजे करीब यहाँ पे आग लगाई गई थी किसी के द्वारा। और मैं 1:30 बजे करीब यहाँ पर पहुँचा था, तब उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी जो कि आग बुझा रही थी, जिसमें कि हमारी सारी कुर्सियाँ, साइकिल, सिलाई मशीन, किताबें, कॉपियाँ, जो पानी भरने के लिए हम पाइप इस्तेमाल करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें जल चुकी हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो कि हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकें। जो भी दरिया हम लाए थे वो सभी के सभी जल चुके हैं। रात्रि के समय हमने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी था जो कि यहीं सामने खोके पे बैठते हैं। वो रात में करीब 1:30-2 बजे करीब वहाँ पर आए थे। हमने उनसे पूछा भी, आप कहाँ निकले, यहाँ पे क्या रीज़न है कि इस समय आप क्यों आए हैं? तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। हमने पुलिस वालों से देखा कि आप भी पूछताछ करिए, लेकिन पुलिस वालों ने कोई पूछताछ नहीं करी। फिर हम लोगों ने खुद पीछे जाके इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो उसमें हमें कैल्शियम जो बॉटल होती है उसके ढक्कन पे कैल्शियम लगा हुआ था, वो बॉटल हमें मिली थी। और फिर हमें पुलिस वालों को दोबारा भी पड़ा था मैम कैल्शियम वहाँ पे, पुलिस वालों को बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। उसके बाद रात में हम इंदापुरम के SHO थाने में हम लोगों ने FIR की कॉपी दे दी है, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया। एक बार भी पुलिस वाले नहीं आए हैं देखने के लिए यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। बाकी सब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कितने समय से चल रहा था ये सेंटर? मैम, ये लगभग 3.5 साल से चल रहा है ये सेंटर। अच्छा, अगर बात करें नुकसान की तो कितना नुकसान लगभग हुआ होगा? मैम, अगर नुकसान की बात करें मैम, अराउंड 1 लाख के आसपास नुकसान हो, क्योंकि हमारे पास किताबें जो थी, कॉपियाँ जो हमारी थी स्टेशनरी में, 1000 के आसपास हमारे पास कॉपियाँ थी, 2000 किताबें थी और पेंसिल, साइकिल, ये सारी चीज़, बर्तन भी थे बच्चों का। कितने बच्चे आते होंगे इसमें? मैं इस सेंटर पे 230 के करीब बच्चे आते हैं, 230 की स्ट्रेंथ है टोटल यहाँ पर बच्चों की। हमारे ये जो NGO है किसी भी तरीके की कोई भी किसी से कैश हेल्प नहीं लेती है। जो भी होते हैं ये NGO जो भी चलाते हैं वो खुद सरकारी कर्मचारी, वो लोग अपनी सैलरी कंट्रीब्यूशन करके ये सेंटर चलाते हैं। और किसी भी टाइप की कोई मॉनिटरिंग हेल्प नहीं है हमारे पास, नहीं हम लेते हैं कोई हेल्प नहीं लेते हैं किसी से।